हे गाइस, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। तो यार, पिछले लेक्चर में मैंने आपको सेलुलर इम्यूनिटी अच्छे से पढ़ा दी है, ठीक है। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे मेनली ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है, इसके बारे में सारा जान लेंगे। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। द इम्यूनिटी मीडिएटेड बाय द एंटीबॉडीज बाय द बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। जो इम्यूनिटी अपनी एंटीबॉडीज़ के थ्रू मीडिएट होती है, उसको अपन बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड बी सेल इम्यूनिटी, इसको अपन बी सेल इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड द इम्यूनिटी थ्रू द ह्यूमर्स, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ किसकी पार्ट होती हैं, किसका फ्रैक्शन होती है, गामा ग्लोबुलिन्स का, पता है अपने को, जो कि प्रोड्यूस कौन करवाता है, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो मेजर डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए मेजरली जो चलता है अपना, वो अपना ह्यूमरल इम्यूनिटी चलती है, ठीक है। रोल ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का रोल देख लेते हैं, ठीक है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रेजेंट एंटीजेनिक प्रोडक्ट, ठीक है, बाउंड विद द HLA टू बी सेल्स, ठीक है, और बी सेल्स एक्टिवेट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या होंगे, जो प्रेजेंट करते हैं एंटीजेनिक प्रोडक्ट को, ठीक है। तो क्या होता है, मोस्टली जो एंटीजेनिक प्रोडक्ट आता है वो फाइनली क्या होता है, बाउंड कर जाता है HLA, मतलब ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन के साथ, ठीक है, किसके, बी सेल्स के, ठीक है, और बी सेल्स एक्टिवेट कर जाते हैं उससे। आगे बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन, एंटीजन को कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो बी सेल रिकॉग्नाइज एंटीजन विद द हेल्प ऑफ इट्स ऑन सर्फेस रिसेप्टर प्रोटीन, ठीक है। तो बी सेल के पास भी क्या खुद सर्फेस रिसेप्टर प्रोटीन होती है, उसके थ्रू वो अपने एंटीजन को क्या रिकॉग्नाइज कर लेती है, ठीक है। तो इनिशिएट कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन बिटवीन द रिसेप्टर एंटीजन, तो क्या होता है, अब इंट्रैक्शन चलता है किस किस के बीच में, रिसेप्टर और एंटीजन के बीच में, ठीक है। फिर उसी का होता है सेम टाइम पे जो मैक्रोफेज होते हैं वो क्या रिलीज कर देते हैं, इंटरल्यूकिन फर्स्ट, ठीक है। अब इंटरल्यूकिन फर्स्ट का रिलीजिंग हो गया, तो इंटरल्यूकिन फर्स्ट क्या करेगा, वो फैसिलिटेट्स कर देगा एक्टिवेशन एंड पॉलीफिकेशन ऑफ बी सेल, कि बी सेल ज़्यादा से ज़्यादा बने, ठीक है। जैसे ही बी सेल ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे, उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली जो एंटीजन बाउंड्स टू द क्लास फर्स्ट MHC, ठीक है, एक्टिवेट्स, ठीक है। जब MHC जो अपना क्लास सेकंड है वो एक्टिवेट हो जाता है, वैसे ही हेल्पर टी सेल्स ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ द सेल मीडिएट इम्यूनिटी। मैंने जो आपको बताया था कि पहले जो हेल्पर टी सेल्स थे मेनली जो इन्वॉल्व करते हैं, यहाँ पे हेल्पर टी सेल्स सेकेंडली इन्वॉल्व करते हैं मेनली, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़े बहुत फर्स्ट भी होते हैं, इस वजह से यहाँ पे सेल मीडिएट का भी डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। और जो अपना MHC सेकंड क्लास सेकंड थी, उसमें अपने क्या क्या आते थे, मैक्रोफेज और बी सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे MHC सेकंड चलेगा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी सेल का ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्म बाय इनटू टू टाइप्स, एक तो प्लाज्मा सेल में ट्रांसफॉर्म होते हो सकते हैं बी सेल्स, और सेकंड मेमोरी सेल्स में, ठीक है। देख लेते हैं इनको भी क्या क्या हो सकते हैं इनमें। देखो रोल ऑफ प्लाज्मा सेल की बात करते हैं, प्लाज्मा सेल का क्या रोल रहता है। प्लाज्मा सेल डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। प्लाज्मा सेल क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज और उसके थ्रू मार देगा, ठीक है। 200 मॉलिक्यूल ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं पर सेकेंड में, ठीक है। आगे बात करते हैं एंटीबॉडीज रिलीजिंग इन टू द लिम्फ, लिम्फ में एंटीबॉडी रिलीज होगी, ठीक है, जो कि सर्कुलेशन में पहुंच जाएगी बाद में। एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग अंटिल एंड ऑफ द लाइफ स्पेन ऑफ ईच प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, डे या वीक, ठीक है, कुछ भी लाइफ स्पेन हो सकता है, ठीक है, एक दिन भी हो सकता है, एक दो वीक भी हो सकते हैं, जब तक प्लाज्मा सेल की लाइफ स्पेन है जब तक वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता रहेगा, ठीक है। रोल ऑफ मेमोरी बी सेल, ठीक है, मेमोरी बी सेल जो रहते हैं अपने, उनका अपन रोल देखते हैं आप, ठीक है। दिस ऑक्यूपाई लिम्फॉइड टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी, सारी बॉडी में जो लिम्फॉइड टिश्यू है उनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं मेमोरी बी सेल्स, ठीक है। तो मेमोरी बी सेल्स आर इन इनएक्टिव कंडीशन, इनएक्टिव कंडीशन होंगे अंटिल बॉडी एक्सपोज टू द सेम ऑर्गेनिज्म फॉर द सेकेंड टाइम, जब तक कि वही सेम ऑर्गेनिज्म का एक्सपोजर नहीं होता दूसरी बार, ठीक है। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस सेकेंडरी एक्सपोजर्स आर मोर पोटेंट, जब क्या होता है, जब वो जो सेम ऑर्गेनिज्म है वो सेकेंड बार अपनी बॉडी में एंटर करेगा, तो वहाँ पे जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है वो मोर पोटेंट, मतलब कि काफ़ी पोटेंट होता है, ठीक है, किससे, जो पहली बार में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। इसी फिनोमेना को मेनली अपन यूज़ करते हैं किस में, वैक्सीनेशन के प्रिंसिपल में। वैक्सीनेशन में क्या होता है, अपन जनरली क्या एटीन्यूटेड पैथोजन देते हैं, ठीक है। तो उन पैथोजन क्या एटीन्यूटेड फॉर्म में, मतलब क्या है कि उनकी जो क्षमता होती है, ठीक है,
उनकी जो कैपेसिटी होती है पैथोजन की, वो पैथोजन एक वायरस है, बैक्टीरिया, उनकी वो काफ़ी कम कर दी जाती है, ठीक है, कि वो अपनी बॉडी पर कोई ज़्यादा इफेक्ट ना डाल पड़े, ठीक है। तो क्या होता है, ऐसे पोलियो को ही लेके चलें अपन, ठीक है। तो पोलियो की वैक्सीन में क्या होता है, मेनली अपना स्टार्टिंग में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको पोलियो की वैक्सीन दी जाती है। पोलियो की वैक्सीन देने से क्या होगा कि एटीन्यूएटेड अपने पैथोजन था वो उसकी बॉडी में पहुंच गया, ठीक है। तो उससे क्या अपना प्राइमरी एक्सपोजर या फिर फर्स्ट एक्सपोजर हो गया किससे, पोलियो से, ठीक है, पोलियो के पैथोजन से। तो क्या होगा, उस बच्चे के अंदर इम्यूनिटी डेवलप्ड हो जाएगी, ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी डेवलप्ड हो गई। अब सेकेंड टाइम अगर कभी भी पोलियो का वायरस है जो, ठीक है, वो अगर एंटर करता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसका सेकेंड एक्सपोजर जो कि एटीन्यूएटेड फॉर्म में नहीं रहेगा, जो कि अपना नेचुरल फॉर्म में रहेगा, जो कि इफेक्ट दिखा सकता है, लेकिन उस बच्चे के अंदर पहले ही इम्यूनिटी जनरेट हो गई, क्योंकि जो अपना प्राइमरी या फर्स्ट एक्सपोजर था वो तो अपन ने वैक्सीन के थ्रू दे दिया, ठीक है। तो क्या करेगी, उसकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी है, ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी डेवलप्ड हो गई पहले एक्सपोजर से, तो सेकेंड बार जब पोलियो का वायरस आएगा तो उसको वो आज ईजिली क्या कर सकता है, मार सकता है, ठीक है, और अपनी बॉडी को बचा सकता है। अब बात करते हैं रोल ऑफ हेल्पर टी सेल, ठीक है। तो एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल्स सीक्रेटेड बाय टू सब्सटेंस, ठीक है, जब जैसी हेल्पर टी सेल्स होती हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं अपन, जैसे उनका एक्टिवेशन होता है वो रिलीज करते हैं दो सब्सटेंस, इंटरल्यूकिन फर्स्ट और बी सेल ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं एक्टिवेशन ऑफ मोर नंबर ऑफ बी लिम्फोसाइट, की ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ बी लिम्फोसाइट इंक्रीज करें, और प्लोरिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा सेल और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। तो ये काम करवाते हैं कौन, हेल्पर टी सेल्स, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बाकी अच्छे से पढ़ाई करो और मेहनत करो, नोट्स भी पढ़ लो बार बार, नोट्स बार बार पढ़ोगे तो ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है, ज़्यादा और समझ में आएगा, ठीक है। लेक्चर्स का अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो लेक्चर बाद अगर नोट पढ़ोगे ना तो ज़्यादा प्रोडक्टिवल रहेगा, क्यों, क्योंकि एक बार आप मुझसे पढ़ लोगे और एक बार नोट से पढ़ लोगे तो ज़्यादा याद रहेगा आपको, ठीक है, एग्जाम टाइम पे कम मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।